मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू पैथोलॉजी क्लास इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हीमोडायनामिक चेंजेस, दैट इज अ शॉक। तो अपना अगला टॉपिक जो मैंने आपको कहा था कि लो वॉल्यूम या डिस्टर्बेंस इन द वॉल्यूम ऑफ सर्क्यूलेटिंग ब्लड के अंदर, ब्लड के वॉल्यूम के कम होने की जो दूसरी कंडीशन है वो है शॉक। शॉक को अगर अपन डिफाइन करें, इट इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द टिश्यूज ड्यू टू रिडक्शन इन द इफेक्टिव सर्क्यूलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज सर्क्यूलेटरी कोलैप्स, अ सीरियस असॉल्ट टू बॉडीज होम्योस्टासिस। ये एक सर्क्यूलेटरी कोलैप्स है जिसके अंदर बॉडी के होम्योस्टासिस में एक सीरियस असॉल्ट, एक रुकावट आ जाती है जिससे कि हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है हमारे टिश्यूज़ में, क्योंकि सर्क्यूलेटिंग ब्लड वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो उससे होने वाली कंडीशन को हम शॉक जो है वो कहते हैं। ये टॉपिक्स हम ये इसके अंदर पढ़ेंगे अपनी आज की क्लास में। अब देखिए, टर्म शॉक मतलब पुश या इम्पैक्ट, इसको सबसे पहले बताया गया था फिजिशियन ने। शॉक एक कंडीशन है जिसमें सर्कुलेशन फेल हो जाता है, न्यूट्रिशनल नीड सेल्स की पूरी करने में फेल हो जाता है, और उसी समय ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारी बॉडी से रिमूव करने में फेल हो जाता है। तो सेल की न्यूट्रिशनल नीड पूरी नहीं कर पाता और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल भी ढंग से नहीं कर पाता, उस कंडीशन को हम शॉक कहते हैं। ये एक जानलेवा सिचुएशन होती है जिसमें टिश्यू परफ्यूजन बहुत पुअर होता है और सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाता है और सीरियस पैथोफिजियोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी जो है वो दिखाई दे रही होती है। शॉक एक टर्म है जिसका मतलब है क्लिनिकल सिंड्रोम, जो डेवलप होता है जब हमारे टिश्यू परफ्यूजन में क्रिटिकल इम्पेयरमेंट आ जाता है कुछ एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से। टिश्यू परफ्यूजन में क्रिटिकल इम्पेयरमेंट आ जाता है। शॉक को अगर अपन डिफाइन करें तो इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन नॉर्मल टिश्यू एंड सेलुलर फंक्शन। अगर हमारे नॉर्मल टिश्यू और सेलुलर फंक्शन को मेंटेन करने के लिए सही अमाउंट में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट डिलीवर नहीं हो पाता है तो कंडीशन शॉक कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कि लीड्स फास्ट टू रिवर्सिबल। पहले तो भाई इसको ठीक किया जा सकता है, पर अगर ये लंबा खिंच जाए तो ये इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी में कन्वर्ट हो सकता है। अब आप अगर शॉक को डिटेल में पढ़ेंगे, हम इसकी मैकेनिज्म को अगर हम पढ़ें, भाई पैथोजेनेसिस तो हमने बोल दिया कि रिड्यूस इन द इफेक्टिव सर्क्यूलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, सेकंड रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड टिश्यूज एंड सीक्वेंस ऑफ सेल इंजरी ड्यू टू हाइपोक्सिया। इसके बाद अगर हम देखें इसकी मैकेनिज्म, स्टेजेस ऑफ शॉक को हम देखें या फेजेस ऑफ शॉक, तो तीन फेजेस में शॉक चलता है। इनिशियल नॉन प्रोग्रेसिव फेज, सेकंड प्रोग्रेसिव डीकम्पनसेटेड फेज एंड थर्ड इरिवर्सिबल फेज। तो फर्स्ट फेज कैसी है, कम्पनसेटेड होती है, ये ऑर्गन फंक्शन इसमें मेंटेन रहता है। फेज सेकंड अनकम्पनसेटेड होती है, इसमें ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है, वाइटल साइंस एबनॉर्मल हो जाते हैं, लैब वैल्यूज़ भी एबनॉर्मल आ जाती हैं, और थर्ड तो लास्ट स्टेज है जो कि इरिवर्सिबल होती है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये शॉक के साइन बताए गए हैं जिसमें मेन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अर्ली साइन में तो मैप जो है वो 10 mmHg से भी कम हो जाता है, बेसलाइन से कम। इफेक्टिव कंपनसेशन इसमें होता है, ऑक्सीजन वाइटल ऑर्गन तक पहुंचाई जाती है और हार्ट रेट इस समय बढ़ जाती है। सेकंड जो स्टेज है कंपनसेटरी साइन, इसके अंदर दिखाई देंगे नॉन प्रोग्रेसिव फेज है, इसमें भी मैप 10 से 15 mmHg बेसलाइन से कम हो जाती है, रेनिन बढ़ जाएगा, ADH बढ़ जाएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, पल्स प्रेशर कम हो जाएगी जबकि हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड pH कम हो जाती है, बेचैनी व्यक्ति को फील होती है, एप्रिहेंसिव दिखाई देता है। थर्ड फेज है प्रोग्रेसिव फेज, जिसको अपन इंटरमीडिएट फेज कहते हैं, इसमें 20 mmHg से भी कम हो जाता है मैप,
टिश्यू ऑर्गन में हाइपोक्सिया हो जाता है, यूरिन में आप देखोगे तो वो उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा यानी ऑलिगो यूरिया हो जाएगा, रैपिड पल्स हो जाती है पर वो काफ़ी वीक होती है और पीएच भी कम हो जाता है। इसमें सेंसे न्यूरल चेंजेस दिखाई देते हैं। और लास्ट रिफ्रैक्टरी साइंस जो कि इरिवर्सिबल स्टेज है, इसमें एक्सेसिव सेल और ऑर्गन का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक कि मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है और पीएच एकदम लो हो जाती है और नहीं ठीक किया तो पर्सन मर जाएगा। अब ये एक साथ सारा मैकेनिज्म बताया हुआ है कि हैमरेज में ऐसा हो सकता है या फ्लड लॉस से हो सकता है, मायोकार्डियल वैस्कुलर डिजीज़ किसी को हुई हो, एनाफाइलैक्सिस किसी को हुआ हो, न्यूरोजेनिक इम्पल्सिस की वजह से या सेप्सिस की वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है। हैमरेज फ्लड लॉस से हाइपोवोलेमिया होगा जो कि हार्ट फेलियर कॉज करेगा, एनाफाइलैक्सिस सेप्सिस से वैसोडाइलेशन हो जाएगा वो भी हार्ट फेलियर कॉज करेगा, और मायोकार्डियल वाल्वुलर डिजीज से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। ये हार्ट फेलियर होते ही कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होते ही ये सीवियर हाइपोटेंशन को कॉज करेगा जो कि शॉक के सिम्टम्स हैं, कार्डियक आउटपुट कम होते ही हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा टिश्यू में जिससे कि कोल्ड कामी स्किन दिखाई देगी, टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होते ही सेल में एनोक्सिया हो जाएगा यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होते ही बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे जैसे साइटोकाइंस रिलीज होंगे और एसिडोसिस हो जाएगा बॉडी में, साइटोकाइंस में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 वगैरह रिलीज होते हैं और सेल एनोक्सिया की ही वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हैमरेज हो सकता है, थ्रोम्बोसिस की वजह से एडिमा हो सकता है। सेल एनोक्सिया से ही पर्सन जो है वो शॉक में पहुंच जाता है जिससे हो सकता है उसको नींद आने लग जाए या वो कॉमा में पहुंच जाए, शॉक की वजह से रिनल फेलियर हो जाता है जिससे ऑलिगोयूरिया हो जाएगा, जीआईटी में लीजन्स बन जाएंगे, लंग फेलियर हो जाएगा, एआरडीएस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसके सिम्टम के रूप में डिस्निया दिखाई देगा, और जीआई लेजन की वजह से जीआई ब्लीडिंग और पैरालिटिक इलियस हो सकता है, और ये सब चीज़ें मिलकर के डेथ कॉज कर देती है क्योंकि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर और पर्सन में हो जाता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म है, पूरी पैथोफिजियोलॉजी है शॉक की विद देयर साइन एंड सिम्टम। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको साइन सिम्टम दिखाई दे रहे हैं और ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी इसमें आपको दिखाई दे रही है और काफ़ी ईजी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अपन क्लासिफिकेशन पढ़ें तो कॉजेज़ के बेसिस पर शॉक का क्लासिफिकेशन 5 तरह का शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, न्यूरोजेनिक, एनाफाइलैक्टिक और सेप्टिक, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेप्टिक शॉक है। अब इटियोलॉजी और पैथोलॉजी देखिए, इसकी हाइपोवोलेमिक में पूरे ब्लड का लॉस हो जाता है और प्लाज्मा लॉस हो जाता है, जिस कब हो जाता है ऐसा हैमरेज के केस में, बर्न के केस में, बहुत ज़्यादा डायुरेटिक का यूज़ करने से, फ्लूड का लॉस होने से जैसे वॉमिटिंग डायरिया में हो जाता है। सेकंड क्लास है कार्डियोजेनिक शॉक, इसमें कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ऐसा एमआई से हो सकता है, डिसरिदमिया से हो सकता है, ब्लंट कार्डियक इंजरी होने की वजह से, वॉल्वुलर डिजीज और एंड स्टेज कार्डियोमायोपैथी से ऐसा हो सकता है। थर्ड है न्यूरोजेनिक शॉक, जिसमें वीनस रिटर्न कम हो जाता है और ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन भी पुअर हो जाता है, ऐसा स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में दिखाई देता है, वैसोमोटर सेंट्रल डिप्रेशन, सेंट्रल डिप्रेशन की वजह से ड्रग या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से अगर वैसोमोटर सेंटर डिप्रेस हो जाए तो दिखाई देता है। एनाफाइलैक्टिक जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इसमें वीनस रिटर्न कम हो जाए या ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन पुअर हो जाए, ये तीनों के अंदर सेम कंडीशन है, वीनस रिटर्न कम होना और पुअर डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये न्यूरोजेनिक, एनाफाइलैक्टिक और सेप्टिक शॉक तीनों की अंडरलाइन पैथोलॉजी है। एनाफाइलैक्टिक ड्रग की वजह से, इंसेक्ट बाइट या डंक की वजह से, डंक किसी इंसेक्ट के डंक से या किसी एनिमल के डंक से ऐसा हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, फूड या जहर खा लेने से या जहर पहुँच जाए बॉडी में किसी बी वगैरह का, मधुमक्खी वगैरह के डंग से भी ऐसा हो सकता है। और सेप्टिक शॉक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन्फेक्शन से हो सकता है या उन पेशेंट्स में जो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी ले रहे होते हैं, माल नरिश्ड होते हैं, एड्स के पेशेंट या कैंसर के अंदर ऐसा हो सकता है। ये फिर से पैथोफिजियोलॉजी बताई गई है कि इसमें क्या हो जाता है, इनएडिक्वेट परफ्यूजन हो जाएगा कि ब्लड कम होते ही ऑक्सीजन कम हो जाएगी, टिश्यू तक नहीं पहुंचेगी जिससे सेल में हाइपोक्सिया हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि एटीपी डिपेंडेंट पाथवे चलता है,
तो एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस होगी, सोडियम पोटेशियम पंप डिस्टर्ब हो जाएगा जिससे एसिड इकट्ठा हो जाएगा, पायरविक एसिड लैक्टिक एसिड वगैरह एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ब्लड की पीएच कम हो जाती है क्योंकि एरोबिक जगह एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म चल रहा है जिससे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते एक तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर फेल हो जाएंगे और ब्लड जो होता है वो पेरिफ्राई से निकल करके सेंटर में आने लग जाता है क्योंकि हमारे दिमाग को, किडनी को, मसल्स को ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है वर्क करने के लिए। ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो वर्क करना बंद कर देंगे, इसलिए हमारे किनारों से ब्लड निकल निकल करके सेंटर में आ जाता है। पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से, और इसी एसिडोसिस की वजह से हमारी सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शनेट हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी, सोडियम पोटेशियम पम्प फेल हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर लाइसोसोम रिलीज होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे जिससे कि पोटेशियम का एफ्लक्स होएगा और सोडियम और वाटर का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। टॉक्सिक सबस्टांस सर्कुलेशन में चले जाते हैं, एंडोथीलियम कैपिलरी की जो एंडोथीलियम है वो डैमेज हो जाती है और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, डिसफंक्शन होता है और सेल डेथ कॉज हो जाती है। अब डायग्नोज वगैरह, ब्लीडिंग शॉक, तो ट्रॉमा की हिस्ट्री और ब्लीडिंग साइट को देख सकते हो। डेंगू शॉक सिंड्रोम हुआ हो तो डेंगू आउटब्रेक को या सीजन को आप पहले तो पता करिए, हाई फीवर की हिस्ट्री देखिए, परप्यूरा देखिए। कार्डियक शॉक में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री देखिए, नेक वेन और लीवर एनलार्ज हुई हुई दिखाई देगी। सेप्टिक शॉक में फेब्राइल इलनेस की हिस्ट्री मिलेगी, बहुत ज़्यादा बीमार आपको बच्चा दिखाई देगा, आउटब्रोक मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन वगैरह का आप देख सकते हो। और सीवियर डिहाइड्रेशन से जुड़ा हुआ शॉक है तो आप प्रोफ्यूज डायरिया की हिस्ट्री देखिए, कोलेरा वगैरह देखिए, उस एरिया में कोलेरा फैला हुआ है क्या। अब माइक्रोवैस्क्यूलर चेंजेस दिखाई दे सकते हैं जिसमें इम्यून कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, हाइपोक्सिया एसिडोसिस हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइमरी न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल साइटोकाइन रिलीज हो जाएंगे उस डैमेज एरिया में, एंडोथीलियम फ्लूड जो है वो लीक होने लगेगा और एडिमा दिखाई दे सकता है। ये तो माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस है। सेलुलर चेंजेस में सेल के अंदर एरोबिक जगह एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, ग्लूकोज की कमी आ जाएगी और एरोबिक रेस्पिरेशन रुकने से सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो रुक जाएगा। लाइसोसोम इम्पेयर्ड होकर के ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने लग जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा जिससे सेल डेथ कॉज हो जाती है। अब शॉक में मेटाबॉलिक चेंजेस क्या क्या आते हैं भाई, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा जिससे कि को कंपनसेट किया जाता है शॉक के अंदर, हाइपरग्लाइसीमिया क्योंकि हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस होने लग जाएगा जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब लीवर का ग्लाइकोजन टूटने लग जाएगा, ये तो कंपनसेटेड शॉक की मैकेनिज्म है। अब डीकम्पनसेटेड शॉक में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है क्योंकि हिपैटिक ग्लाइकोजन कम हो गया और टिश्यू के द्वारा ग्लूकोज पूरा पूरा कंज्यूम कर लिया गया और ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो वो कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसलिए तो लीवर का ग्लाइकोजन कम हो रहा है, टिश्यू में ग्लूकोज ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ये डीकम्पनसेटेड शॉक है। फिर एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाएगा जिससे कि हाई ब्लड लेवल हो जाएगा लैक्टेट और पाइरुवेट का, यानी लैक्टिक एसिड पाइरुविक एसिड इकट्ठे होने लग जाएंगे। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इंट्रासेलुलर प्रोटीन कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना प्रोटीन का। अमाइनो एसिड यूरिया में कन्वर्ट होने लग जाएगी जिससे कि नॉन नाइट्रोजन प्रोटीन ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे। फैट मेटाबॉलिज्म में एंडोजिनस फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, फैटी एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। वाटर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, फेल हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया कॉज हो जाएगा सेलुलर स्वेलिंग की वजह से, शॉक क्योंकि प्लाज्मा का लॉस होने लग जाता है जैसे बर्न वगैरह में होता है, हीमोकंसंट्रेशन की वजह से। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में किडनी में हाइपोक्सिया हो जाएगा जिससे रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है क्योंकि ब्लड लेवल एसिड वगैरह का बढ़ जाता है, लैक्टेट पाइरुवेट फॉस्फेट सल्फेट वगैरह सब बढ़ जाते हैं जिससे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में मॉर्फोलॉजिक चेंजेस आने लग जाएंगे सेल्स के अंदर हाइपोक्सिया के कारण, यानी उनकी स्ट्रक्चर वगैरह बिगड़ जाएगी जिससे कि डीजेनरेशन नेक्रोसिस दिखाई देने लगेगा और हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स में दिखाई देता है जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, एड्रिनल, जीआईटी वगैरह में क्या दिखाई देगा आपको, डीजेनरेशन और नेक्रोसिस दिखाई देगा।
क्योंकि सारी सारी सेल्स वगैरह मरने लग जाएंगी। हाइपोक्सिक एनसेफेलोपैथी होएगा, कंपनसेटेड शॉक जो होता है उसे सेरेब्रल इस्चीमिया हो जाएगा, जिससे कि होश हवास खो देगा इंसान अपने। हालांकि ब्लड प्रेशर इसमें फॉल हो गया है, 50 mmHg से भी कम हो चुका है, सिस्टमिक हाइपोटेंशन हो जाता है, लंबा अगर शॉक लंबा चला जाए कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा, ब्रेन भी सफ़र करने लग जाएगा सीवियर सिस्टमिक डैमेज की वजह से, कॉर्टिकल फंक्शन ख़त्म होने लगेगा, कॉमा में पर्सन पहुंच जाएगा और वेजिटेटिव स्टेट आ जाएगी। शॉक में हार्ट पे क्या असर पड़ेगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने लग जाएंगे, हेमरेज नेक्रोसिस हो जाएगा, सब एपिकार्डियल सब एंडोकार्डियल रीजन के अंदर ये हेमरेज और नेक्रोसिस दिखाई देगा, जोनल लेजन्स आपको दिखाई देंगे जिसमें ओपेक ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्शन बैंड दिखाई देंगे मायोसाइट के अंदर। लंग के अंदर ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है पहला तो, इसलिए जनरली तो कोई खास असर पड़ता नहीं है हाइपोवोलेमिक शॉक का, पर अगर सेप्टिक शॉक हुआ हो लंग के अंदर तो ARDS के सिम्टम दिखाई देंगे जिसमें कंजेशन हो जाएगा, जो हमने पढ़ लिया कंजेशन, वीनस रिटर्न की वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाना, इंटरस्टिशियल एल्वियोलर एडिमा हो जाएगा, इंटरस्टिशियल लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, एल्वियोलर हाइलाइन मेम्ब्रेन दिखाई देगी, थिकनिंग और फाइब्रोसिस एल्वियोलर सेप्टा में दिखाई देंगे, फिब्रिन दिखाई देगा, प्लेटलेट थ्रोम्बाई दिखाई देंगे, किडनी में इरिवर्सिबल रीनल इंजरी हो जाएगी, रीनल इस्चीमिया सिस्टमिक हाइपोटेंशन की वजह से हो जाएगा, जो कि शॉक में एंड स्टेज की वजह से रीनल चेंजेस दिखाई दे रहे होते हैं, एनयूई और पर्सन की डेथ हो सकती है। एड्रीनल के अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स दिखाएगा शॉक के अंदर, जिसमें एल्डोस्टेरोन रिलीज होने लग जाएगा हाइपोक्सिक किडनी की वजह से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से, कैटेकोलामाइन जैसी चीज़ें एड्रिनालिन वगैरह एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होएगा, ये सीवियर शॉक की वजह से एड्रिनल हेमरेज हो जाता है। अब ये शॉक में क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, स्वेलिंग दिखाई देगी ब्रेन के अंदर, कॉन्शियस लेवल होश आवाज खो देगा पर्सन, कंफ्यूज रहेगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बीपी लो हो जाएगी, हार्ट सांस तेज हो जाएगी, लो वॉल्यूम पल्स हो जाएगी, ठंडी नीली पड़ी हुई हाथ पैर ठंडे और नीले पड़ जाएंगे, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेल्योर में CNS पर असर पड़ेगा, कंफ्यूजन होगा, कॉमा में चला जाएगा और इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ARDS रेस्पिरेशन की वजह से दिखाई देगा, मायोकार्डियल डिप्रेस हो जाएगा, लीवर फेल हो जाता है क्योंकि हाइपरबिलिरुबिनेमिया भी साथ में दिखाई देने लग जाएगा, GIT में चेंजेस आएंगे, इलियस म्यूकोसल डैमेज हैमरेज एंडोटॉक्सिन रिलीज होने लग जाएंगे पोर्टल वेन में, इंट्रावेस्क्यूलर कोएग्यूलेशन कम हो जाएगा, वेसल पंक्चर साइट से ब्लीडिंग होने लगेगी, स्किन में हैमरेज इन्फॉक्शन वगैरह दिखाई देगा, इन्फॉक्शन में भी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, इस्चीमिया गैंग्रीन पैरों वगैरह में दिखाई देगा क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो गया है, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन दिखाई देगा। अब हाइपोवोलेमिक शॉक, इसमें रैपिड वीक थ्रेडी पल्स दिखाई देती है क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, टैकीकार्डिया भी साथ में दिखाई देगा, स्किन ठंडी पड़ जाएगी, शरीर ठंडा पड़ जाएगा क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, रैपिड और शैलो ब्रीदिंग दिखाई देगी क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, परफ्यूजन डिक्रीज होने की वजह से और पसीने के इवेपोरेशन की वजह से हाइपोथर्मिया हो जाता है, प्यास लगती है, मुंह सूखने लगता है क्योंकि फ्लूड की कमी आ गई बॉडी में, कोल्ड और मॉटल्ड स्किन दिखाई देगी, यानी हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे क्योंकि स्किन में परफ्यूजन सफिशेंट नहीं हो रहा। यह हाइपोवोलेमिक शॉक है जो हेमरेज और डिहाइड्रेशन की वजह से दिखाई देता है, बीपी कम हो जाती है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, पेरिफेरल वैस्कुलर में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रीलोड कॉन्ट्रैक्टिलिटी और आफ्टरलोड ये सब कम हो जाएंगे। यह एनाफाइलैक्टिक शॉक है, बच्चों किसी को ऐसा हो जाए तो देखिए भाई, मास सेल का रोल होता है एनाफाइलैक्सिस के अंदर, जिस पर IgE एंटीबॉडी आ जाएगी, अगर एंटीजन पहली बार आया तो IgE एंटीबॉडी आकर के मास सेल पे चिपकेगी और फिर सब्सिक्वेंट अगर वो एंटीजन आएगा तो वो क्या करेगा, वहाँ से डीग्रैनुलेशन होएगा, डीग्रैनुलेशन से केमिकल रिलीज होंगे और हिस्टामिन जैसे केमिकल्स आपको रिलीज होते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, ऊजिंग होने लग जाएगी,
बीपी फॉल हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन फेल हो जाएगा, इरिटेटेड नर्व एंडिंग की वजह से स्किन में इचिंग होने लग जाएगी, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर स्पेसेस वगैरह में फ्लडिंग हो जाएगी, म्यूकस का प्लग बन जाएगा, मसल स्पाजम हो जाएगा, स्वेलिंग दिखाई देगी लंग्स में, जिससे कि पर्सन को कफ और वीजिंग रहने लगती है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है। अब सर्कुलेशन फेल हो गया, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है, जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन तक कम होगी, तो कमज़ोरी, डिजी, चक्कर वक्कर आना और थकावट रहने लग जाना, ऐसे कंडीशन दिखाई देगी। एनाफाइलैक्सिस में कंजक्टिवा में स्वेलिंग आ जाती है, नाक बहने लग जाता है, आँख लाल हो जाएगी, नाक बहेगा, लिप्स में, टंग में, थ्रॉट में स्वेलिंग आ जाएगी, हार्ट और वैस्कुलेचर जो है उसमें फास्ट या स्लो हार्ट रेट दिखाई देगी, बीपी लो हो जाएगा, स्किन में खुजली वगैरह आने लग जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, पैल्विक पेन होने लगता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सर हल्का हल्का लगेगा, होश आवाज गंवा देगा पर्सन, कन्फ्यूज रहेगा, सर दर्द होगा, एंग्जाइटी होगी, रेस्पिरेटरी में ब्रीद शॉर्ट हो जाएगी, खांसी आने लगेगी, आवाज़ ख़राब हो जाएगी, निकलने में दर्द होएगा, कफ रहेगा, जीआईटी में क्रैम्प, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग और ब्लड कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हार्ट जो है वो सही पंप नहीं कर पाएगा, जितनी बॉडी का आवश्यकता उतना कर नहीं पाएगा, जिससे कि सीवियर हार्ट अटैक की कंडीशन अराइज हो सकती है। पर जर्नी हमेशा हार्ट अटैक हो, ऐसा कब होता है? एथ्यूरोमेटस प्लाक की वजह से, प्लेटलेट एग्रीगेशन से, अगर ब्लड सप्लाई सही हो नहीं पा रही किसी एरिया में, अनस्टेबल एंजाइना से, हैवीनेस कॉन्स्ट्रिक्शन से, इसमें एसटी सेगमेंट बढ़ जाएगा, इस्कीमिया और एमआई हो जाएगा। ये न्यूरोजेनिक शॉक है, डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का होता है, लो बीपी की वजह से ओकेजनली हार्ट रेट कम हो जाती है, ऑटोनॉमिक पाथवे डिस्टर्ब्ड हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डैमेज की वजह से हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से हो सकता है, लो बीपी रहने लगेगा, सिस्टमिक वैस्क्यूलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ब्लड की पूलिंग होने लग जाएगी एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह के अंदर, सिंपथेटिक टोन कम हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी, अनअपोज्ड वैगल एक्टिविटी की वजह से ऐसा दिखाई देगा। न्यूरोजेनिक शॉक जो है पोटेंशियली डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन के रूप में दिखाई देगा, जिससे कि ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, डेथ भी हो सकती है अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो। ये लास्ट सेप्टिक शॉक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सीवियर सेप्सिस हो जाता है, इसमें फेज़ वन में तो क्लॉटिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा, माइक्रो थ्रोम्बाई बन जाएगी, माइक्रो सर्कुलेशन जिससे धीमे हो जाएगा भाई, थ्रोम्बाई बन जाएगी, तो थ्रोम्बाई होता क्या है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी मैं आपको। इस थ्रोम्बोसिस की वजह से ब्रेन, स्किन, किडनी, जीआईटी, पल्मोनरी वगैरह के अंदर इसका असर पड़ेगा, एआरडीएस वगैरह दिखाई देगा, ये तो सब फेज़ फर्स्ट में दिखाई देंगे। फेज़ सेकंड में कंजम्पशन कोगुलेशन फैक्टर का होने लगेगा, फाइब्रिनोलाइसिस हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा, फाइब्रिनोजन इनएक्टिवेट हो जाएगा, दूसरे फैक्टर्स भी दिखाई देंगे जैसे ब्लीडिंग ब्रेन, स्किन, किडनी वगैरह में दिखाई देगी, किडनी मतलब हिमैट्यूरिया दिखाई देगा किडनी के अंदर, जीआईटी में हिमैट मैसेस दिखाई देगा, खून की उल्टियाँ आएंगी, मैलीना क्या है, स्टूल में ब्लड आना, और ओरल और नेजल कैविटी से ब्लड आने लगे, जैसे गम्स में ब्लीडिंग, एपिस्टाक्सिस, ये सब दिखाई देगा, ये इसके सिम्टम है। लंग में एडिमा, डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज, एक्यूट लंग इंजरी, एआरडीएस, लीवर में स्टीटोसिस, कोलेस्टासिस कहाँ पर है भाई, कोलेस्टासिस गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, पेन होने लग जाता है ना, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सेंट्री एसिना नेक्रोसिस दिखाई देगा, एडिनल में हेमरेज और लिपिड डिप्लीशन हो जाएगा, किडनी में एडीमा, एक्यूट्यूबुलर इंजरी हो जाती है, पैनक्रियाज में इस्कीमिया हो जाएगा, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, भाई इंसुलिन कम होते ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ना, और कार्डियोवैस्कुलर में इस्कीमिया हो जाएगा, डायलिटेटिव फेलियर हो जाएगा, डायलेशन नहीं हो पाएगा ब्लड वेसल्स का, सीएनएस में कन्फ्यूजन, डेलीरियम, ये सब दिमागी है, बोलना, कॉन्शियसनेस बिगड़ जाएगा, कॉग्निटिव लॉस होएगा, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये खुद से पढ़ लीजिएगा, बुखार वगैरह चढ़ जाती है, बीपी लो हो जाती है, डायरिया, वॉमिटिंग होगा, पेशेंट सफ़र करने लग जाएगा शॉक से, सनबर्न वगैरह जैसे सिम्टम दिखाई देंगे, डिसोरिएंटेशन, मसल में पेन रहने लगेगा, आई, माउथ, थ्रॉट के अंदर लालिमा आ जाएगी, सर में दर्द होगा और सीजर्स।
होने लग जाएंगे। बस इसके साथ ही आपका शॉक नाम का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया, समझ में आपको आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए